तरीके से हमें बताया जाता था वो क्या, एक पहचान, दूसरा इसके बारे में जो मिसकंसेप्शन है किसके हवाले से, इसकी पहचान के हवाले से वो ठीक किया जाए, वो क्या है। नंबर तीन, व्हाट इज इट इन जनरल, ये एक्चुअली है क्या, वेयर वी यूज इट, हम इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, ठीक है। जब तक किसी चीज का इस्तेमाल ना आए, मुझे ये तो पता भी मार कर रखा, लेकिन मुझे इसके इस्तेमाल का ही नहीं पता, तो क्या ये चीज मेरे लिए फायदेमंद है। मेरे पास चश्मा है लेकिन मुझे पता है ना क्या, लेकिन किसी इस्तेमाल होती है मुझे पता नहीं है। एक वर्ड है स्क्रू, स्क्रू, अब मुझे पता तो है स्क्रू किया लेकिन मुझे पता ही नहीं उसके इस्तेमाल किया, तो मेरे लिए मुफीद चीज नहीं है। पता है मोबाइल है लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है, जब तक मुझे इसका इस्तेमाल नहीं है तो मेरे लिए फायदेमंद नहीं रहती। इसी तरह जब हमने ग्रामर को स्टार्ट किया है टेंसेस के हवाले से, तो जो मिसकंसेप्शन है वो बहुत ज्यादा थे और जेन्युइन चीज किसी ने नहीं बताई। मसलन हमें पहचान गलत बता दी, इस्तेमाल तो किसी ने बताया नहीं, उसके रिलेटेड जो स्पेलिंग रूल्स होते हैं वो भी हमें किसी ने बताया नहीं कि किस तरीके से हैं। ये स्पेलिंग रूल्स क्या है, अब आते हैं इसके स्पेशल खसूसी मकसद की तरफ। As a teacher, you must know, हम इसके लिए देखते हैं proper communication। अब communication दो तरह से है, number one to get meaning of a sentence, properly कह रहे हैं, exactly कह रहे हैं, ये तो हमारा ही बनेगा purpose। Number two, to convey our thinking, ये कुछ भी properly, हम जो कहना चाहते हैं वो properly कहें। Number three, use of it, तीन चीजें कि हमें इसका इस्तेमाल प्रॉपर्ली आना चाहिए। सर एबीटी क्या? ऐप मुनासिब जिसे कहते हैं, ठीक है, मुनासिब यूज ऑफ इट यानी ग्रामर का प्रॉपर इस्तेमाल। अब इसमें हम ये टेंस ले लेते हैं जिसे हम पहले मुद्दों में हम उसे प्रेजेंट indefinite tense कहते थे और आज हम उसको simple present बोलते हैं। मैं सबसे पहले पहचान और उसके बाद ये बताऊंगा कि पहले इसको ऐसे क्यों कहते थे, अब इसको ऐसे क्यों कह रहे हैं, हम convert होंगे कैसे। लेकिन सबसे पहले आम तौर पर आपको इसकी जो पहचान थी वो क्या करवाई जाती थी, फिक्र के आखिर में